हमारे पास डिमोवर्स थ्योरम है, मैथमेटिकल मेथड की हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं पेज नंबर 22 पे। हमारे पास डिमोवर्स थ्योरम है, उसमें जी हमने लेट कर लिया हुआ है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है, ठीक हो गया। हम इसी डिमोवर्स थ्योरम को बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते हैं, जो हमने फर्स्ट ईयर में 8 चैप्टर में हमने की थी 8.1 में, उस मेथड से हम करते हैं। उसके लिए पहले हमने करना है एन इक्वल ज़ीरो, अगर हमारे पास वैन एन इक्वल ज़ीरो आ जाए तो इस चीज़ को देखें ज़रा, एन अगर इक्वल ज़ीरो आए सिर्फ इसको देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर ज़ीरो, एन की जगह ज़ीरो आ गया, यहाँ पे एंगल पे ज़ीरो आ जाएगा, कॉस ज़ीरो थीटा प्लस अयोटा साइन ज़ीरो थीटा, किस चीज़ की पावर ज़ीरो तो वन आ जाता है, कॉस ज़ीरो अयोटा साइन ये ज़ीरो हो गया, कॉस ज़ीरो वन, तो वन इक्वल वन हो गया। अब हमने ये करना है द रिज़ल्ट एन इक्वल ज़ीरो के लिए ट्रू हो गया, अब वन के लिए देखते हैं एन इक्वल वन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर वन है तो लिखने की ज़रूरत उनसे वैसे ही रहते हैं, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, एन एन की जगह वन लिखा, दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, प्रूव हो गया। रिजल्ट द रिज़ल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल वन एंड ज़ीरो के लिए ट्रू हो गया। अब हम सपोज कर लेते कि एन इक्वल के ए के लिए भी ट्रू है, सपोज डैट इट्स ट्रू फॉर एन इक्वल के लिए ट्रू है, हम कर लेते हैं, तो अगर के लिए ट्रू होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर के इक्वल आएगी कॉस के थीटा प्लस अयोटा साइन के थीटा, ये ट्रू हो गया, ठीक है, इसे वन कहते हैं। तो अब हम किसके लिए करेंगे, अब हम प्रूव करवाएंगे देन एन इक्वल के प्लस वन, तो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर के प्लस वन इक्वल, हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर के कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर पावर के हो तो एंगल के अंदर आ जाता है, ये चीज़ें हमने सपोज कर लिया है तो हम इसे अंदर लिखेंगे, कॉस के थीटा प्लस अयोटा साइन के थीटा, साथ में आ गया कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस के थीटा कॉस थीटा प्लस, अब इसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस अयोटा साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस अयोटा स्केयर हो जाएगा तो माइनस आएगा, तो इधर माइनस लिख देंगे साइन थीटा साइन के थीटा, ठीक हो गया। अब अयोटा वैल्यू को अलहदा लिख लेते हैं और दूसरी वाली जो है वैल्यू सुने रियल पार्ट्स को अलहदा लिख लेते हैं, अगर हम इन दोनों को लें ये और ये हमारे पास रियल है तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा प्लस अयोटा, दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास आ गया कॉस के साइन थीटा प्लस साइन के कॉस थीटा के थीटा भी है साथ में, ठीक हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कॉस के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला प्लस अयोटा, ये बन रहा है साइन के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला, ये हमारे पास आके थीटा अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा के प्लस वन प्लस अयोटा साइन थीटा के प्लस वन, के प्लस वन की फॉर्म में आ गया, जो पावर थी वही एंगल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है उस चीज़ में आ गया, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया के प्लस वन के लिए भी, जब ये के प्लस ट्रू वन के लिए भी ट्रू हो गया इट्स मीन, अब हम सपोज करेंगे नेगेटिव के लिए भी करना है क्योंकि फॉर ऑल इंटीजर्स बोला था, हम पॉजिटिव के लिए कर चुके, अब नेगेटिव के लिए करेंगे, सपोज एन इक्वल, अब हम नेगेटिव के लिए करना है तो हम माइनस एम ले लेते हैं, माइनस एम में तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर एन थी तो माइनस एन आ जाएगी, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर क्या आ जाएगी, माइनस एम, माइनस एम है तो इसे फ्रैक्शन में लिखनी है, नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे वन ओवर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, माइनस के से नीचे लिख दिया और पावर वैसी आ गई, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास आएगा कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा पावर एम आ गई, अब इसी इस फॉर्म में हमारे पास आ गई, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो जो m है वो हमने वैसे ही लिखा रह दिया है, m को यहाँ है m इधर ऐसे लेके आना था, ये एक स्टेप इधर और कर देती हूँ, वन ओवर कॉस
एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, ठीक हो गया। अब इसे रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा, ठीक हो गया। अब ये जो माइनस है इसको प्लस करना है, तो वो कैसे करेंगे, कॉस माइनस एम थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा लिख सकते हैं। ये माइनस अंदर चला गया और इसके अंदर माइनस लिखे या अगर जो बाहर लेके आएंगे तो ख़त्म हो जाता होता है, तो इसका माइनस बाहर रहता है, ये वही फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस वन की फॉर्म बन गई, जो हमें फॉर्म चाहिए थी। तो ये इसे एन के इक्वल हमने किया था कॉस थीटा, या फिर इसे कर लें कॉस, ये माइनस एम एन था, थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, तो ये आ गया। इसे इस तरह लिखने से पहले ये डायरेक्ट ऐसे ही लिख लें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एन, हो गया प्रूफ। ये ऑल इंटीजर्स के लिए प्रूफ हो गया। क्या किया है, पहले एन की जगह हमने जीरो लिखा है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, वन इक्वल वन। फिर हमने एन की जगह वन लिखा है, यहाँ वन था तो इसके अंदर वन लिखा, तो वो सेम वही चीज़ आ गई, वो भी प्रूफ हो गया। एन इक्वल जीरो और वन के लिए प्रूफ हो गया था भाई, मैथमेटिकल इंडक्शन हम कर रहे थे। उसके बाद जब वन और जीरो के लिए प्रूफ होगा तो फिर हमने सपोज करना होता है कि के लिए भी ट्रू है, तो हमने के लिख के ट्रू कह दिया। फिर हमने के प्लस वन के लिए किया, के प्लस वन के लिए किया तो सॉल्व के हमारे यहाँ तक आ गया, के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया। ये हमारा पॉजिटिव के लिए हो गया, अगर इधर फोर ऑल इंटीजर्स ना देता, अगर पॉजिटिव इंटीजर दिए तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन उन्होंने फोर ऑल इंटीजर्स दिए तो मतलब नेगेटिव भी लेना। फिर हमने नेगेटिव के लिए एन को माइनस एम लेके हमने सॉल्व कर दिया, वो भी हमारा प्रूव आ गया। तो ये जो हमारा डिमोर्गस थ्योरम है ये हमारा प्रूव हो गया।